तो गाइज मुझे तो ये गोल्ड फार्म काफी खतरनाक लग रहा है। आप देख सकते हो इतने स्पीड में यहाँ पे मॉब स्पॉन हो रहे हैं और मुझे। वेलकम बैक गाइज, हमारे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो आज हम फाइनली एक बहुत ही जायंट गोल्ड फार्म बनाने जा रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई अब छोटा गोल्ड फार्म मत बनाना, एकदम जायंट बनाना। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ा जायंट गोल्ड फार्म बनाने वाले हैं। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे नीचे कॉन्ड्यूट लगा था जिससे हमको पावर मिलता है। तो मैं सोचा हूँ कि इस बार ना हम अपना गोल्ड फार्म जमीन के ऊपर बनाए, क्योंकि मैंने ज़्यादातर फार्म है ना यहाँ पे देख सकते समंदर में बनाए, तो सारे फार्म एक जगह पर हो जाएंगे ना, थोड़ा गड़बड़ होगा। तो मैं सोचा हूँ कि ना अपने ये वाले फार्म को मैं थोड़ा दूर बनाता हूँ, एक्चुअली वहाँ पे जमीन पे मेरे घर के आसपास बनाता हूँ। तो वैसे जमीन पे बनाओ या पानी पे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं बनाने वाला हूँ। उसके लिए मुझे बहुत सारे ऑब्सीडियन चाहिए। मैं ना 3 नेदर पोर्टल वाला मतलब वो फार्म बनाने वाला हूँ। मतलब मुझे कम से कम एक स्टैक नहीं, कम से कम 4-5 स्टैक ऑब्सीडियन के ब्लॉक चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन टेंशन नहीं, एंड में वो जो हमारे पिलर होते हैं जिसके ऊपर एंडर ड्रैगन का क्रिस्टल होते हैं उसको मैं माइन कर लूँगा तो बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना। तो पहले मैं आपको शाउट आउट दे देता हूँ, उसके बाद है ना हम एंड सिटी में माइनिंग करने चलते हैं और बहुत सारे हैं ना मैं वहाँ से माइन करके लाता हूँ अपने ऑब्सीडियन। तो चलिए सबसे पहले शाउट आउट दे देते हैं। यहाँ पे मैं आज का सबसे पहला शाउट आउट लगा रहा हूँ। तो आज का हमारा सबसे पहला शाउट आउट होता है जैक ब्रदर्स को। तो इन्होंने लिखा है ब्रो बहुत दिनों से शाउट आउट मांग रहा हूँ, अब तो दे दो। तो चलो भाई आपको शाउट आउट मिल चुका है, अभी ना सेकंड शाउट आउट की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा दूसरा शाउट आउट जाता है सविता अमीन को। तो उन्होंने लिखा भाई ओपी वीडियो, तो थैंक यू बोलने के लिए। तो अभी है ना हम अपने आज के तीसरे शाउट आउट की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा तीसरा शाउट आउट जाता है मैक्स गेमिंग को। तो इन्होंने लिखा है भाई डायमंड माइनिंग पे जाओ, तो जरूर जाएंगे। अभी फिलहाल मैं अभी गोल्ड फार्म बनाने वाला हूँ, उसके बाद जरूर जाएंगे। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई हमारे ना टिप्स दो कुछ यूट्यूब से रिलेटेड, तो उसके लिए आप मेरा सेकंड चैनल चेक कर सकते हो, उस पर ना मैं यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए गाइस अभी हम अपना गोल्ड फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फार्म बनाने की अभी तक कोई तैयारी तो नहीं की है, लेकिन एक काम करता हूँ मैं ना फटाफट यहाँ से उड़ के चल लेता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो मुझे ना सारा का सारा सामान कलेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो मैं ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी सामान तो मैं बाद में कलेक्ट कर लूँगा। तो इस बार है ना मैं सबसे बड़े वाले पिलर को तोड़ूंगा, तो है ना मैं बहुत जल्दी सैंड डूपर भी बनाने वाला हूँ। बहुत कमेंट आ रहे थे कि सैंड डूपर भी बनाओ, तो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बहुत सारे ऑक्सीजन कलेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत सारा सामान कलेक्ट करना है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ कलेक्ट नहीं किया है। लेकिन है ना मैं सबसे पहले ऑक्सीजन कलेक्ट करता हूँ और बाकी चीज़ों को तो मैं बाद में कलेक्ट करूँगा, कोई टेंशन नहीं। मुझे बहुत सारा चाहिए, जैसे कि ऑब्जर्वर कम से कम 40-50 चाहिए और अपने ड्रॉपर भी चाहिए हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो एक काम करता हूँ पहले ना फटाफट बहुत सारे ना ऑक्सीजन को मैं माइन कर लेता हूँ। कम से कम मुझे 4 स्टैक माइन करना है, जो कि हालत ख़राब करने वाला है मेरा। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन पहले से ही है, वरना दिमाग ख़राब हो जाता। चौका से आप लोग देख सकते हो मैंने ना यहाँ से बहुत सारे ऑक्सीजन माइन कर दिए, और टोटल मैंने कितने माइन किए मैं आपको दिखाता हूँ। तो टोटल मैंने ना 2 स्टैक माइन कर लिए, मतलब 2 स्टैक में तो जाके सिर्फ हमारा एक पोर्टल बन पाएगा। अगर मैं 22x22 का बनाऊँ तो 88 तो चाहिए मेरे को सिर्फ एक पोर्टल बनाने के लिए, मतलब 2 स्टैक में एक पोर्टल बनता है। मुझे ना 3 पोर्टल बनाने यानी 6 स्टैक चाहिए, मतलब इतना ऑक्सीजन तो किसी काम का नहीं, इससे तो एक पोर्टल ही मुश्किल से बनेगा। तो फिलहाल मैं इसको अंडर चेस्ट में रख देता हूँ, मुझे अभी भी बहुत माइंड करना है। मैं यहाँ पे TNT क्यों लेके आया, इन सबका जरूरत क्या है? अभी तक मैंने अपना चेस्ट खाली नहीं किया, मैंने ओशियन मॉन्यूमेंट लूट गया था उसके बाद से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देख सकते हो। तो सबसे पहले ना हम अपना माइनिंग कंटिन्यू करते हैं, मुझे अभी भी है ना बहुत सारा माइंड करना है। तो मुझे ना यहाँ से एटलीस्ट 4 स्टैक माइन करके जाना पड़ेगा, वरना है ना कम पड़ जाएगा तो मैं दोबारा आने वाला नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा बोरिंग है वापस जाना वापस आना। तो यहाँ से ना मैं बहुत ज़्यादा ही माइन करके चलने वाला हूँ। A few moments later. तो गाइस आप लोग देख सकते हो फाइनली मैंने ना 5 टैग से ज़्यादा कलेक्ट कर लिया, और मैंने कैलकुलेट किया इतने में ना मेरा 3 बड़ा वाला पोर्टल बन जाएगा। तो मैं सोचा इतना ही लेके चलूँ, और ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फाइनली इन सबको मैं कलेक्ट करता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लगा यार, मतलब हद से ज़्यादा टाइम लग गया। आप देख सकते हो मैंने कितना माइन कर लिया, पूरा का पूरा पिलर माइन कर लिया। ये तो अच्छा है हमारे पास यहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई है अपने ऑक्सीजन का, वरना है ना ओवर वर्ल्ड में माइन करने में हालत ख़राब हो जाता और मेरा है ना भूख लग गया। 1 मिनट मेरे को पहले खाना खाने दो। तो अभी मेरा पेट भर चुका, मैं बहुत जल्दी यहाँ पे सैंड डूपर भी बनाने वाला हूँ, तो वो भी बहुत जल्दी होगा। ओके मैं कहाँ पे आ गया, अरे हाँ मैंने कहीं पे बेड नहीं लगाया था ना, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ बाहर आ गया। मैंने सोचा ग्लिच हो गया या मर तो नहीं गया ना, मैं तो ऐसा घबरा गया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को बहुत सारे ऑब्जर्वर बनाना है। तो कम से कम मुझे 30 ऑब्जर्वर बनाना है, फिर डिस्पेंसर भी बनाना है कम से कम 3 या उससे ज़्यादा, और एक्चुअली मुझे बहुत सारे चेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे बहुत सारे हॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब भी बनाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने ना ऑलमोस्ट सारे के सारे सामान कलेक्ट कर लिया, अभी भी और सामान की ज़रूरत है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही कलेक्ट किया। तो अभी ना मुझे बहुत कुछ बनाना है, तो सबसे पहले ना मैं यहाँ से बहुत सारे चेस्ट और हॉपर बना लेता हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा चेस्ट की ज़रूरत है, तो है ना मैं पहले ना यहाँ से 4 बनाता हूँ एक्चुअली हॉपर, और मैं ना बहुत सारा कलेक्टिंग एरिया बनाने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है एक ऑटोमेटिक सॉर्टिंग सिस्टम आता है, ताकि ना सारे के सारे रोटन फ्लैश अलग जगह पर चले जाए, सारे के सारे गोल्ड अलग जगह पर, सारे के सारे ना स्वॉर्ड अलग जगह पर जाए। तो मुझे ना वो सब बनाना है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे हॉपर और अलग अलग सामान की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उसको ना मैं एक काम करता हूँ, उसको एक लास्ट में बनाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले एक अपना फार्म बना दूँ ना तो लास्ट में बनाऊंगा। अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बनाऊँ, तो है ना लास्ट में बनाऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और सारा का सारा सामान तो मैंने ऑलरेडी कलेक्ट करके रख लिया है, अभी ना मुझे एक एरिया ढूंढना जहाँ पे मैं ये बनाऊंगा। तो मैं सोचा कि मैं ना यहाँ कहीं बनाऊँ, तो 1 मिनट ज़्यादा दूर नहीं बनाता, तो ये वाला एरिया यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा।
तो यहाँ से ऊपर चलता हूँ, ये सही रहेगा, क्योंकि मेरे को है ना कोई एक अच्छा जगह ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको रैंडमली मैं कहीं पे भी बना दूंगा बहुत सही है, क्योंकि है ना मैं उसको यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से ना फटाफट एक एरिया ले लेता हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, ड्रॉप ऊपर से ना सारे के सारे मॉब नीचे गिरेंगे और मरेंगे। तो यहाँ पे एक काम कर दो, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे चेस्ट रखना है, एक्चुअली सर्कल बॉक्स में सारा का सारा सामान लाया ताकि ना मैं आराम से कैरी कर सकूँ। तो यहाँ से ना मुझे अब है ना देख लेता हूँ, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक एरिया बना देता हूँ। तो मुझे ना यहाँ से 25 नहीं 26 ब्लॉक ऊपर जाना है, 26 ब्लॉक ऊपर जाऊँगा तो पता है एक फ़ायदा होगा, वो ऑटोमेटिक गिरेंगे तो मुझे मारना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ना 26 ब्लॉक ऊपर जाना है, तो ये पहला हो चुका है, ये दूसरा, और ये 26, टोटल 26 हो चुके हैं। तो मुझे ना इतने ब्लॉक ऊपर लेके आना है, यहाँ से ना वो गिरेंगे तो खुद मरेंगे। मैं काम करूँगा, दो ब्लॉक और ऊपर कर लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बचे, अगर बचेंगे ना तो मेरा मतलब पूरा का पूरा बिगाड़ देंगे, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट मर जाए गिर के, इसलिए ना मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लूँगा, 26 है ना तो उसको 28 कर दूँगा, सही रहेगा। एक्चुअली बचना नहीं चाहिए, खाली मर जाना चाहिए। तो यहाँ पर आगे ग्लास लगाऊंगा ताकि ना थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो यहाँ से ना मैं फटाफट उतने लेवल तक पहुँच जाता हूँ। तो बस फाइनली मैं टोटल 28 ब्लॉक ऊपर आ चुका हूँ, मैंने दो दो ब्लॉक बढ़ा दिया और मेरा ग्लास खत्म हो गया तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया। तो अभी ना काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे कोने कोने पे एक लगा देता हूँ। अभी ना मुझे एक एरिया बनाना है, क्योंकि अगर मैं ना पूरे तीन अगर नेदर पोर्टल बनाऊंगा बड़े वाले तो मुझे ज़्यादा एरिया चाहिए, तो इसीलिए ना मुझे एक बहुत बड़ा एरिया बनाना पड़ेगा जहाँ पे मेरे सारे के सारे मॉब आएंगे और मतलब ये क्लिंग चैम्बर तक पहुँचेंगे। तो यहाँ से ना मैं बहुत सारे ये ले लेता हूँ, तो मुझे ना पहले 7x7 का एक एरिया बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से ना नॉर्मली जो हम एक एरिया बनाते हैं, मैंने ज़्यादातर फार्म में बनाया वैसा ही करना है, तो मुझे यहाँ से 7 ब्लॉक आगे चलना होगा। इसको कैलकुलेट करके 8 होता है और इसको छोड़ के टोटल 7 होता है। ये पहला हो चुका है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवा। तो हर एक डायरेक्शन से ऐसे ही 7-7 ब्लॉक आगे जाना है और पूरा का पूरा ये एरिया को फिल कर देना है। यहाँ पे मेरे जितने भी है ना नेदर पोर्टल से मॉब गिरेंगे ना तो ये प्लेटफॉर्म पे गिरेंगे और पानी के थ्रू नीचे जाएंगे और वहाँ पे जाके मर जाएंगे और सारा का सारा सामान कलेक्ट होगा। तो कुछ इस तरीके का मैं सिस्टम बनाने वाला हूँ और ये बहुत बड़ा सिस्टम बनेगा, छोटा मोटा नहीं बनेगा, नॉर्मली फार्म से बहुत बड़ा बनेगा, जो कि मेरा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। तो एक काम करता, फटाफट ये एरिया को मैं कंप्लीट कर देता, उसके बाद मुझे एक और लेयर बनाना पड़ेगा, मेरे को ना दो बड़े बड़े लेयर बनाने पड़ेंगे, तो इसको मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ। One eternity later. तो गाइस फाइनली देख सकते हो मैंने ना ये प्लेटफॉर्म को पूरा कंप्लीट कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, ये प्लेटफॉर्म बनाकर पानी डालना था, जितने भी है ना मॉब स्पॉन होकर डायरेक्ट यहाँ से नीचे जाएंगे। तो अभी ना हमको एक और चीज़ करना, पहले ना मुझे एक ब्लॉक लेना पड़ेगा जो मैं बाद में तोड़ सकूँ, मतलब टेम्प्रेरी ब्लॉक, और यहाँ पे सेंटर में मुझे आना पड़ेगा। तो ये हमारा सेंटर ब्लॉक है, तो यहाँ से ना एक मिनट, अरे नीचे नहीं गिरना यार, एक मिनट जाना होगा, तीन ब्लॉक, तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, और यहाँ से ना हमको बनाना स्टार्ट करना है हमारा क्या बोलते हैं वो पोर्टल। तो एक मिनट है मैं देख लेता, तो मुझे तीन बनाने हैं ना पोर्टल, तो एक यहाँ पे बनेगा, उसके बाद पांच ब्लॉक छोड़ के मतलब चार ब्लॉक छोड़ के बनेगा। तो पहला ब्लॉक छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया, चौथा छोड़ दिया और ये पांचवा, यहाँ पे हमारा एक पोर्टल बनेगा, एक पोर्टल यहाँ सेंटर में बनेगा और एक पोर्टल वहाँ पे बनेगा। मैं यहाँ से तीन चार बना सकता हूँ, लेकिन तीन अगर है ना मैं तीन से ज़्यादा बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लैग करेगा और पॉकेट एडिशन में लैग पसंद नहीं है यार, जावा होता तो काम बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है, उसके बाद है ना हमें यहाँ से ना सारा का सारा ऑप्सीडन ले लेना है और जो जो बेकार की चीज़ें उन सबको हमको रख देना है, उन सब की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से ना मैं ये सारी की चीज़ें ले लेता हूँ और उसके बाद है ना मैं इसको भी कलेक्ट कर देता हूँ। तो कलेक्ट कर दिया, अभी ना मुझे यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। तो हमारा सेंटर ब्लॉक यहाँ पे ना, तो यहाँ से मुझे ना टोटल 20x20 वाला बनाना है। तो यहाँ से 20 ऊपर से 20 राइट से 20 मतलब 22 का होता है टोटल कॉर्नर को लेके। तो मुझे एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना देना है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ, एक मिनट, यहाँ से थोड़ा मुश्किल होगा कैलकुलेट करना सेंटर से। तो एक मिनट, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ से है ना मुझे 11 ब्लॉक जाना है और यहाँ से 10 जाना है, तब जाके हो पाएगा। तो फाइनली एक बन चुका है, तो इतना बड़ा मुझे एक नेदर पोर्टल बनाना है। तो यहाँ पे मैं टोटल 22 आ चुका और ऊपर मुझे ना 21 जाना है, फिर उसको पूरा का पूरा मतलब कंबाइन कर देना है तो एक नेदर पोर्टल बन जाएगा। वैसे मुझे साइड में वहाँ पे एक बनाना है, एक यहाँ पे बनाना है और ये बनना, मतलब टोटल तीन होता है। तो इसको फटाफट मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो अभी मुझे कितने जाना है, यहाँ से मुझे ना इसको कैलकुलेट करके 20 जाना है। तो ये पहला हो चुका है, ये दूसरा हो चुका है, तीसरा। तो फाइनली है ना मैं टोटल 20 ब्लॉक ऊपर आ चुका हूँ। तो अभी ना मुझे इसको है ना कनेक्ट कर देना है ताकि ना यहाँ पे लाइट अप कर सकूँ। तो लाइट अप मैं बाद में करूँगा, कोई भी डायरेक्शन में मॉब स्पॉन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गिरेंगे तो पानी में ही और नीचे जाएंगे डायरेक्ट। तो मेरे को ना फटाफट ये तीनों तीन पोर्टल को कंप्लीट कर देना इसी तरीके से। Few inches later. तो फाइनली मैंने है ना तीनों के तीनों पोर्टल बना दिया और मुझे लगता है मैं ना एक स्टैक ज़्यादा माइन करके लाया था, चलो कोई बात नहीं, बच गया तो कभी और काम आएगा। तो अभी ना मुझे क्या करना है, इसको लाइट अप नहीं करना, पहले मुझे ना लाइट अप सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो है ना मुझे एक मीटर सबसे पहले मुझे नीचे कूदना पड़ेगा, तो यहाँ से चलता, ओके यार नीचे गिर गया, चलो कोई बात नहीं। तो मुझे ना उसके पीछे से बनाना है, तो टेम्प्रेरी ब्लॉक मेरा कहाँ गया भाई, पाँच ही बचे, चलो कोई बात नहीं। तो है ना मैं ये वाले ब्लॉक से बना दूंगा, तो मैं ये वाले डायरेक्शन में लाइट अप सिस्टम बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक ब्लॉक रखते हैं और सबसे पहले इसके ऊपर चढ़ते हैं। तो मुझे ना कम से कम 6 ब्लॉक ऊपर जाके बनाना स्टार्ट करना है। तो मैं पहले देख लेता हूँ, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से सही होगा। तो मैं ना एक मिनट, यहाँ से ना ऊपर नीचे जाने में तकलीफ होने वाला है, इतना तो मुझे पता ही है। हमारा एक ब्लॉक आएगा कुछ इस तरीके से शायद से,
और हमारा है ना ऑब्जर्वर यहाँ से आने वाला है। तो हमारा ऑब्जर्वर है ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा और बाकी के हमारे ऑब्जर्वर यहाँ से आएंगे। मैंने ना इसको एक आगे लगा दिया था जो कि मुझे ऐसा नहीं करना था। और यहाँ पे हमारा ट्रैप डोर आएगा जिसको हमको खोल के रखना है, तो इसको मैं पहले इस तरीके से लगा देता हूँ। उसके बाद है ना हमारे यहाँ पे ट्रैप डोर आएगा, तो ये जगह हमको छोड़ के रखनी है और इसके ऊपर वाली जगह हमको कवर कर देनी है, तो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, तो फाइनली मैंने ना इसको कंप्लीट कर दिया, तो कुछ इस तरीके से होने वाला था। मैंने ना एक गलती की थी बस, तो मैंने ऑब्जर्वर थोड़ा सा आगे लगा दिया। तो मुझे ना हर एक डायरेक्शन में ऐसा सेम टू सेम बनाना है, एक्चुअली हर एक डायरेक्शन में नहीं, हर एक पोर्टल के पास ऐसा बनाना है। एक पोर्टल का यहाँ बनाऊंगा, एक पोर्टल का वो कोने पर बनाऊंगा। अगर यहाँ पर बनाऊंगा ना तो फुल हो जाएगा, तो वो मॉब नीचे नहीं गिर पाएंगे। तो अभी ना मुझे क्या करना, मुझे ना यहाँ से कुछ की जरूरत है, मुझे ना थोड़े से ट्रैप डोर बनाने पड़ेंगे। एक मिनट, तो ट्रैप डोर बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल चाहिए जो कि मैं लेके नहीं आया। तो फाइनली मैंने ट्रैप डोर बना दिया, तो उसको लगाना है और खोल देना है, तो कुछ इस तरीके से होगा। एक मिनट मैं सारे के सारे कर देता हूँ, और इतना होने के बाद मुझे यहाँ से ऊपर चले जाना है। तो फटाफट मैं यहाँ से ऊपर आता हूँ। एक मिनट मैं इसको चालू करूँ या सबसे पहले ना मैं बाकी का सिस्टम बना लूँ, तो मुझे ना यहाँ पे एक लावा डालना पड़ेगा। देख सकते हो मैं ना लावा यहाँ पे डालूंगा, और जैसे एक मिनट लावा डल क्यों नहीं रहा यहाँ पे, ओके डल गया। अभी ना मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ये है ना पोर्टल ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, देख सकते हो एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन मुझे ना ओके देख सकते हो एक मॉब भी नीचे गिरा है, लेकिन मुझे ना इसको अभी एक्टिवेट नहीं करना, मुझे इसको लास्ट में एक्टिवेट करना है। तो मुझे ना इसको फिलहाल टेम्प्ररी तोड़ के रखना पड़ेगा। देख सकते हो मॉब आ गया, वो नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने ना यहाँ पे ब्लॉक्स लगाए तो वो अटक रहा है। तो मुझे ना इसको तोड़ना पड़ेगा। मेरे को ना अभी इसको है ना नीचे नहीं भेजना, मुझे ना इसको बाद में भेजना है, क्योंकि अभी मेरे को एक और सिस्टम बनाना है, वो है ऑटोमेटिक क्लॉक बनाना है, ताकि ना ये ऑटोमेटिक बंद हो और चालू हो, तो वो करने में मुझे टाइम लगेगा। तो मैं है ना पहले इसका सिस्टम बना देता हूँ, बाद में बाकी दो का बनाऊंगा, सबसे पहले इसी का बना देता हूँ। तो मुझे ना कुछ इस तरीके से बनाना, और इसके नीचे एक ब्लॉक आएगा मेरा, ताकि ना पानी नीचे ना जाए। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना मेरे को डिस्पेंसर की जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर पानी का वाटर बकेट होगा, तो यहाँ पे डिस्पेंसर लगेगा। और उसके बाद है ना यहाँ पे एक मिनट वो साइड लगने वाला है, तो ये साइड मुझे ऑब्जर्वर लगाना पड़ेगा। कुछ कहाँ गया भाई मेरा ऑब्जर्वर, यहाँ पे एक ब्लॉक रखना पड़ेगा। तो एक ऑब्जर्वर आएगा मेरा यहाँ पे, फिर से गलत लग रहा है ये, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे ना एकदम सामने की ओर फेस करके लगाना, कुछ इस तरीके से, बहुत सही। ओके, एक ऑब्जर्वर नीचे गिर गया, उसको मैं बाद में ले लूँगा। और अभी दूसरा ऑब्जर्वर मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, से ताकि ये क्लॉक बन जाए। और मुझे ना इसके ऊपर एक लीवर लगाना है, पता नहीं लीवर लगाने से ये रुकता है या नहीं, बट ट्राई करता हूँ एक बार बना के, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं कि लीवर से रुकेगा या नहीं, मुझे इसको रोकना है। तो यहाँ पे मैं इसको लगा के अगर रोकता हूँ तो क्लॉक रुकता है। ओके, तो इसका कोई असर नहीं होता, क्लॉक है ना बिल्कुल भी नहीं रुकता। तो मुझे ना यहाँ पे एक स्टिकी पिस्टन लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसको रोक सकूँ, नहीं तो ये हमेशा चलता ही रहेगा और बहुत ज़्यादा लैग करेगा। तो वो मैं नहीं चाहता, एक काम करता हूँ मैं है ना थोड़ी देर के लिए ना ये तोड़ के रखता हूँ, इसको लास्ट में लगाऊंगा। तो मैं खाली इतना ही बना देता हूँ। उसके बाद है ना मुझे यहाँ पे नीचे ना वाटर बकेट भर के रखना पड़ेगा इसके अंदर। तो एक काम करता हूँ, वाटर बकेट भर के रख देता हूँ। वाटर बकेट भी मैंने ले लिया, और इसके अंदर मुझे वाटर बकेट कुछ इस तरीके से रखना है, बाद में मैं इसको चालू कर दूंगा। तो अभी है ना मेरे को इसको कंप्लीट करना है, तो इसको कंप्लीट मतलब ये हो चुका है पूरा कंप्लीट। मेरे को यहाँ पे एक नीचे लगाना है, ताकि ना ये पानी है ना नीचे ना निकले, जो हमारे ये चालू बंद करेगा पोर्टल को, तो है ना पानी नीचे जाएगा तो अनलिमिटेड सोर्स बना देगा, तो पूरा बिगाड़ सकता है। तो हमारा फाइनली हो चुका है। तो अभी ना मुझे क्या करना है, ये बेकार के नीचे टेम्प्ररी ब्लॉक है ना, इन सबको तोड़ देना है, इन सबकी अभी कोई जरूरत नहीं। तो फाइनली ये हमारा एक साइड का तो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा एक पोर्टल है ना पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। हमको है ना बाकी दो को सेम टू सेम करना है, और ये जो बेकार का ब्लॉक है ना इन सबको तोड़ना पड़ेगा, इन सबकी कोई जरूरत नहीं। तो इनको मैं लास्ट में तोड़ूंगा, अभी तोड़ के कोई फायदा नहीं, अभी टाइम वेस्ट है। तो एक काम करता हूं, पहले ना बाकी दो को भी सेम टू सेम ऐसा लावा वाला सिस्टम बनाता हूं, और वैसा क्या बोलते हैं वाटर वाला सिस्टम बनाता हूं, और उसको बाद में चालू भी करना है ना, तो मैं स्टिकी पिस्टल लेके आ जाऊंगा बाद में, अभी मेरे पास लाने का टाइम नहीं। तो काम करता हूं, पहले इन सबको कंप्लीट कर देता हूं। One eternity later. तो गाइस आप लोग देख सकते हो फाइनली मैंने ना तीनों का तीनों सिस्टम बना दिया, और यहाँ पे नाइट क्यों हो रहा है, एक मिनट मुझे ना सोना पड़ेगा सबसे पहले। लेकिन अभी है ना बस एक लास्ट चीज़ करना, मुझे ना उस पोर्टल को एक्टिवेट करना है और अपना काम हो जाएगा। तो एक मिनट सबसे पहले मैं सो के डे कर लेता हूँ। यहाँ पे बारिश भी आ रही है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो होप करें मैं नीचे ना गिर जाऊँ बेड से उठते ही, और मैं बेड के ऊपर ही हूँ बहुत सही। तो इसको फटाफट ले लेता हूँ, और ये ना ब्लॉक्स को तोड़ देता हूँ, क्योंकि ना इसके ऊपर मॉब स्पॉन हो सकते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता। तो फाइनली अपना काम हो चुका है, अभी ना मुझे इस पोर्टल को एक्टिवेट करना है सारे के सारे पोर्टल को। तो एक हमको ऑब्सिडियन, मैंने तीनों को ना तोड़ के रखा है, ताकि ना कुछ स्पॉन ना हो। देख सकते हो यहाँ पे ना ये एक्टिवेट हो चुका है, कोई स्पॉन हुआ, ओके अभी स्पॉन नहीं हुआ होगा। तो अभी ना हमको इसको भी एक्टिवेट कर देना फाइनली, तो ये भी एक्टिवेट हो चुका है, और हमको ना ये लास्ट वाला भी एक्टिवेट करके रख देना है, तो हो चुका है। तो अभी ना हमारा उधर एक लीवर है जिसको हमको क्लिक करना है, और हमारा पूरा फार्म रेडी है, मतलब एकदम स्पॉन होना चालू हो जाएंगे। तो मैं फटाफट इनको एक्टिवेट कर देता हूँ।
तो मैंने ना तीनों के तीनों एक ही साइड बनाए ताकि ना मैं आराम से तीनों को एक्सेस कर सकूँ। देख सकते हो यहाँ पे लीवर है, तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता फटाफट से। और एक मिनट, मैं क्राउच हूँ तो बटन नहीं दब रहा, तो ये फाइनली एक्टिवेट हो चुका है। और उसके बाद है ना हमको इसको भी एक्टिवेट करना है। और वहाँ पे देख सकते हो स्पॉन होना चालू हो चुके हैं, क्या स्पीड में स्पॉन हो रहे हैं। अभी ना हमको इसको एक्टिवेट कर देना है और हमको लास्ट इसको एक्टिवेट कर देना है। तो बस आप लोग देख सकते हो हमारा तीनों के तीनों पोर्टल एकदम मस्त लेवल पे चालू हो रहे, इतने सारे मॉब स्पॉन हो रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हो। तो मतलब क्या मॉब स्पॉन हो रहे हैं, आप देख सकते हो क्या भर भर के स्पॉन हो रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही नहीं हो चुके, मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा लैग देखने हो रहा है, मतलब इतने स्पीड में यहाँ पे स्पॉन हो रहे हैं। एक मिनट मुझे नीचे चल के देखना चाहिए नीचे क्या हाल चाल है। तो आराम से मैं नीचे आता हूँ और आप लोग ओके ओके यहाँ पे बीच बीच है, एक मिनट मुझे यहाँ से निकलने दो, वरना वो फट जाते ना तो मेरा पूरा का पूरा वहाँ पे सिस्टम को बिगाड़ देते। तो ये देख सकते हो कितने सारे मॉब है यार, मुझे ना टॉर्च वॉर्च लगा के रखना पड़ेगा, बीच मेरे पीछे पीछे आ रही है। तो सबसे पहले मुझे बीच को हटाना पड़ेगा कैसे भी। ओके, तो आप वहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे मॉब आ रहे हैं, ग्लास की वजह से मेरे को मरते हुए भी मॉब दिख रहे हैं। तो मेरा है ना मतलब वर्ल्ड थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है क्योंकि इतने सारे यहाँ पे मॉब गिर रहे कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। अब चल के दिखाता हूँ कि हमको कितने वहाँ से लूट मिल रहे हैं। मेरे को एक शॉर्टिंग सिस्टम भी बनाना पड़ेगा, आपको पता होगा शॉर्टिंग सिस्टम क्या होता है। हमारा गोल्ड अलग जगह पर जाएगा और गोल्ड का स्वॉर्ड अलग जगह पर जाएगा और हमारा है ना रॉटन फ्लैश अलग जगह पर जाएगा, कुछ इस तरीके का सिस्टम। तो वहाँ पर ना मुझे टॉर्च लगाना पड़ेगा क्योंकि नीचे अंधेरा है ना, तो बहुत सारे मॉब आके वहाँ पर मतलब खड़े हो जा रहे ताकि वो मरे ना। तो अभी देखता हूँ कि कोई ओके देख सकते हो क्या स्पीड में आ रहे हैं। अभी देखना है कि ना हमको लूट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि ओके यहाँ पे ना एक जॉम्बी विलेजर है तो इसको मेरे को ठिकाने लगाना पड़ेगा निकल यहाँ से। और यहाँ पे क्रीपर भी था ना, तो वो क्रीपर को मैं देखना तो पड़ेगा वरना ये फोड़ देगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं चेस्ट खोल के देखता हूँ मुझे कितना लूट मिल रहा है। तो यहाँ से ना चेस्ट को खोलते और देख सकते हो दो स्टैक मेरे को ना रॉटन फ्लैश मिल भी चुका है और ये गोल्ड भी देख सकते हो दो स्टैक मिल चुका है मेरे सामने ही। आपके सामने कितने स्पीड में ना यहाँ पे गोल्ड और रॉटन फ्लैश वो सब आ रहे हैं, आप देख सकते हो। आपके सामने मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्या कमाल का फार्म है। और आपको है ना मैं ऊपर से दिखाता हूँ, देख सकते हो क्या मॉब गिर रहे हैं, मतलब इतने स्पीड में क्या ही बताऊँ। तो अभी ना मैं आपको ऊपर से भी दिखाई देता हूँ यहाँ पे। ओके एक मिनट, मैं कहीं तो फंस गया हूँ, तो मैं ना यहाँ से उड़ता हूँ, तो निकल ले फटी फटाफट से। और आपको है ना मैं अभी दिखाता हूँ टोटल है ना कितने मॉब स्पॉन होते हैं, आप देख सकते हो कितने सारे मॉब स्पॉन हो रहे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा स्पॉन नहीं हो रहे। एक काम करता हूँ मैं अच्छे से लैंड करता हूँ यहाँ पे और मैं अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा फार्म कितने स्पीड में वर्क कर रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा स्पीड से नहीं वर्क कर रहा है। तीन तीन पोर्टल बनाया तो भाई मज़ा आ गया, मतलब थोड़ा बहुत लैग भी देखने मिला मेरे को। मैं बाद में ना शॉर्टिंग सिस्टम बना दूंगा ताकि ना हमको गोल्ड की कमी ना हो। तो गाइज मुझे तो ये गोल्ड फार्म काफ़ी खतरनाक लग रहा है, आप देख सकते हो इतने स्पीड में यहाँ पे मॉब स्पॉन हो रहा है और मुझे इतना ज़्यादा गोल्ड और रॉटन फ्लैश मिल रहा है क्या ही बताओ। आप देख सकते हो ट्रिपल पोर्टल मैंने बनाया, चार पोर्टल भी बना सकता था बट वो बहुत लैग करता है, लेकिन ये तीन पोर्टल भी काफ़ी सही वर्क कर रहा है। तो देख सकते हो कुछ ज़्यादा स्पॉन नहीं हो रहे। तो फिलहाल है ना मेरे को एक शॉर्टिंग सिस्टम बनाया है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं नहीं बना सकता। ये फार्म बना के मैं थक गया हूँ क्योंकि इतना माइनिंग पे मेरे को जाना पड़ा भाई क्या ही बताओ। और आप लोग देख सकते हो क्या मतलब स्पीड में यहाँ पे मॉब गिर रहे, कुछ ज़्यादा स्पीड में नहीं गिर रहे। अभी मैं चेक करता हूँ मेरे पास कितने सामान हुआ, आप देख सकते हो मेरे पास ये एक मिनट ये गोल्ड का कितना बनता है मैं पहले ट्राई करता हूँ। सारे के सारे गोल्ड को मैं निकालता हूँ, सबसे पहले को है ना निकाल लिया और यहाँ से गोल्ड के है ना ये बना लेता हूँ। तो आप देख सकते हो 28 गोल्ड के है ना इनगेट आ चुके हैं, यानी मेरे को है ना कम से कम तीन या ऑलमोस्ट है ना चार हमको है ना ऐसे ब्लॉक मिल चुके हैं। तो अभी है ना मैं यहाँ पे एफ के करूँगा तो भाई कुछ ज़्यादा नहीं आ जाएगा, 30 तो वैसे ही आ चुका है। रॉटन फ्लैश कुछ ज़्यादा आ गया, मैं ना मस्त ट्रेडिंग कर सकता हूँ विलेजर से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एफ के करूँगा तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, रखते लाइक कर देना वीडियो पसंद आए तो, और नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्टिंग सिस्टम बनाएंगे अपने गोल्ड फार्म के लिए। चलिए मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।